बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं झेलम की एक बहुत ही मशहूर जगह पर। ये है जी मेजर फ्रूट चाट, जीटी रोड झेलम में है ये। बिल्कुल आप जब जीटी रोड से गुजरें तो आपको ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही नज़र आ जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। मेरे माशाल्लाह पिछले व्लॉग्स आपने बहुत पसंद किए हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह और भी अच्छी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो अभी चलते हैं मेजर फ्रूट चाट पर और चेक करते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं कि इनकी चाट कैसी है जी। तो ये हम मेजर फ्रूट चाट पर पहुँच चुके हैं। तो ये इनका ये ग्राउंड में है, इनकी सीट्स वगैरह रखी हुई हैं, ये टेंट वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है। अगर आप इधर बैठना चाहें इधर बैठ सकते हैं, और अगर आप फैमिली हॉल में जाना चाहें तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो माशाल्लाह इनकी काफ़ी अच्छी जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये, और काफ़ी अच्छी इनकी है कि जैसे ही आप इस तरफ आएँ तो ये आपको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं और फ़ौरन ही आपसे जो है वो रब्ता करते हैं कि आपको क्या चाहिए या किस तरह से। तो अभी तक तो माशाल्लाह अच्छा लगा हमें जी। तो एक बात इनकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि इनसे हमने बात की थी और इन्होंने फ़ौरन ही हमें अपने किचन में जाने की और ब्लॉग शूट करने की परमिशन दी है। मतलब कि ये सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और ये साथ ही इन्होंने हमें परमिशन दे दी है जी। तो ये देखें, ये इनका किचन है, माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ का। और ये इन्होंने हमें परमिशन दी है अपना किचन चेक करवाने की। तो ये बहुत कम जगह पर ऐसा होता है, ये एयर कंडीशन किचन है माशाल्लाह। अपने वर्कर्स के लिए खास तौर पे इन्होंने इस चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है। ये किस कदर साफ सुथरा और अच्छा फ्रूट है इनके पास, ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश और साफ सुथरा फ्रूट है सारा, आप देख लें। तो ये देखें बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे इनका काम हो रहा है। तो ये हमारे भाई हैं जो ये बना रहे हैं, और इन्होंने कैप वगैरह बिल्कुल पहनी हुई है माशाल्लाह। ये अंकल हैं मेजर फ्रूट चाट वाले। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपको कितना अरसा हो गया ये चलाते हुए ये मेजर फ्रूट चाट? ये है कि जी जी, तो यूनिफॉर्म बैंक का गांव में आया, एज अ दुकान पर पड़े को। अच्छा माशाल्लाह जी, यूनिफॉर्म बैंक ग्राउंड का आया जी जी। लोगों ने क्या कि उम्मीद था आ गई माशाल्लाह, तो ना फट गया जी जी। तो लास्ट नेकी से मेरा रिटायरमेंट हुआ माशाल्लाह, 15 साल पूरी की जो फीसर में मेरा ट्रेड था आदमी को, मैंने व्यास साहब के भी नाम लिए कुकिंग के बारे में। फिर अल्लाह की करना युवा की जो कुंजी मिली थी ना मुझे आर्मी की, तो प्राइवेट बैंक वाले जो है ना वो लेकर भाग गए, पायनियर बैंक इस्लामाबाद ही हुए। तो बस अल्लाह से शिकवास किया कि अल्लाह से क्या मैं तो पढ़ूँ, आपने खुद लिखा होगा कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, तो मैंने इबादत सही की है, उसका सिला मुझे ये मिला है। तो मानो से है चिगरी आती थी ख्वाब में, मुझे इशारा मिला कि रबील आलमीन कह रहे हैं कि तुम रेली दिखाओ। अब वो रेली है वो सामने, मैंने दारी चने दारे आलू दारे लगा कर यहाँ खड़ा हुआ। ये किस सन में शुरू किया था? 1987 में। ये 1987 में शुरू किया जी इन्होंने, 1987 में ये इन्होंने शुरू किया था। और माशाल्लाह अब इनको काफ़ी 33-34 साल, 35 साल हो गए माशाल्लाह। वर्कर आपके पास अभी? अभी माशाल्लाह है मेरे पास तकरीबन 7-8 बन जाते हैं। सही, चले बाकी। तो शुक्रिया बहुत बहुत अंकल, आपने हमें अपना टाइम दिया है, जजाकल्ला। तो ये दो प्लेट भाई जो हैं फ्रूट चाट, ये क्रीम फ्रूट चाट है ये तैयार कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, कोई इधर मक्खियाँ वगैरह नहीं है, कोई गंदा फ्रूट नहीं है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में। ये देखें कितने अच्छे से भाई ने ये कट करके इसके ऊपर रख दिए,
माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है इधर आके इनके किचन को चेक करके, वरना यूजुअली हम बाहर से ही खाते हैं और वहीं से चले जाते हैं। तो ये जो मैं आप खुद बनाता हूँ, ये इनकी स्पेशल अपनी चटनी है, तो ये जो है ना क्रीम है, ये क्रीम साथ है। और ये साथ इनका ये सही है। तो ये साफ़ सुथरे बर्तन है सारे और साफ़ सुथरा किचन है सारा। ये देखेंगे भाई कितने अच्छे से डेकोरेट करते जा रहे हैं और इस पर चीज़ें शामिल करते जा रहे हैं। तो ये इन्होंने किशमिश डाल दी है, अंगूर डाले हुए हैं इसमें। ऊपर साफ हम ये बोलेंगे ना, ये कोई पैसे लेके नहीं था, ये हम अपनी तो ये जो है जी हमारी चाट तैयार हो चुकी है। देखें कितनी मज़े की और कितनी अच्छी तैयार हुई है जी। तो ये हमारी चाट आ चुकी है। तो ये हमारी फ्रूट चाट है और ये हमने साथ इसके पापड़ी समोसा चाट ऑर्डर की है। और ये भी देख लें कितनी अच्छी है, माशाल्लाह बहुत मज़े की लग रही है देखने में। देखें कि ये सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये जग लगी है। तो ये देखें कितना प्यारा पानी का जग और ठंडा बिल्कुल इसमें पानी इन्होंने में दिया है। तो चेक करते हैं आप ये चाट। और ये यहाँ पे आना और ये व्लॉग बनाना हमारा कोई इनके पेड प्रमोशन नहीं है, ना इन्होंने हमें कोई पैसे दिए हैं और हमें बुलाया है। ये हम खुद यहाँ पर हम अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और यहाँ से खा के जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने झेलम की इस मशहूर तरीन जगह पर हम व्लॉग बनाएँ। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है इनके ओनर से मिलके, जो अंकल हैं। तो चलते हैं देखते हैं ये चाट कैसी है जी। तो ये चेक करते हैं, तो माशाल्लाह ये समोसा चाट बेस्ट है, मतलब बहुत मज़े की। ये चुकंदर वगैरह इन्होंने डाले हुए हैं, चटनियाँ डाली हुई हैं, बहुत मज़े की चाट है। तो ये जी हमारी फ्रूट चाट है जो हमने खुद बनते हुए भी देखी है। तो ये माशाल्लाह वेफर्स वगैरह डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के इन्होंने बनाई है। तो ये चेक करते हैं। तो ये जी इनकी फ्रूट चाट है, यकीन करें इतने मज़े की है। बाकी भी झेलम में हमने चाट खाई हुई है लेकिन इतने मज़े की चाट नहीं है। तो ये वेफर्स का, क्रीम का और फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का। और ये जो इन्होंने अपनी वो स्पेशल चटनी बताई है ना जो ये खुद बनाते हैं, उसका टेस्ट ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत मज़े का। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।